नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की 5 स्टेट से कुछ ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में डाला है, जो पहले शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नहीं थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 स्टेट्स हैं जिनकी ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में डाला है। हम उन स्टेट्स को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फिर हम उन ट्राइब्स को भी याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से जिनको एसटी लिस्ट में डाला है, और इस पूरे के पूरे करंट अफेयर को हम इनडेप्थ कवर करेंगे कि इससे क्या फायदा होने वाला है। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया, जिसमें उन्होंने 5 स्टेट्स की कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी की लिस्ट में डाला। अब देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जिन 5 स्टेट्स की ट्राइब्स को एसटी कैटेगरी में डाला है, वो 5 स्टेट्स हैं हमारी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। अब इन 5 स्टेट्स को याद करने का एक ट्रिक है। देखिए, इन 5 स्टेट्स की ट्राइब्स काफी सालों से मांग कर रही हैं कि हमें भी एसटी कैटेगरी में डाला जाए, लेकिन काफी साल हो गए इनको एसटी कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो अभी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके अंदर एक चिंता उभर के आई कि अरे, इन ट्राइब्स को एसटी कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया है, अभी तक इनको एसटी कैटेगरी के जो फायदे हैं वो क्यों नहीं मिले। तो ये अंदर चिंता उभर कर आई, बस यही हमारा ट्रिक है। अब देखो, मैंने अपनी वीडियोस में कई जगह देखा है कि मैं कुछ ट्रिक्स या कुछ बातें बताता हूँ याद करने के लिए, तो फिर कुछ लोग अगर राजनीति से प्रेरित होकर आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे देखिए, आप तो गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं या तो आप ओपोजिशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो ऐसे। देखो भैया, ऐसा है कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मेरा काम पढ़ाना है और सिंप्लीफाई करना है एजुकेशन को, ताकि आपको याद रहे। अगर आप में से कोई राजनीति से प्रेरित है तो कृपया यहाँ से दूर रहें, ठीक है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं राजनीति के अलावा। तो दोबारा ट्रिक पर आते हैं कि कुछ ट्राइब्स हैं जिनकी मांग थी, लेकिन वो मांग काफी समय से नहीं हुई पूरी। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एक चिंता उभर कर आई, और ये हमारा ट्रिक है। चिंता उभर के आई, चिंता, चिंता में सी से हमारे पास आ गया छत्तीसगढ़, ही से हमारे पास आ गया एच, आई से हमारे पास आ गया हिमाचल प्रदेश, ता से हमारे पास आ गया तमिलनाडु, उभर से हमारे पास आ गया उत्तर प्रदेश, और के से हमारे पास आ गया कर्नाटका। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनकी ट्राइब्स को अभी हाल ही में एसटी कैटेगरी में डाला गया है। कौन कौन सी? चिंता उभर कर आई, सी से छत्तीसगढ़, ही से हिमाचल प्रदेश, ता से तमिलनाडु, उभर से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका। अब हम एक एक करके इन ट्राइब्स को देखते हैं। देखिए, टोटल 12 कम्युनिटीज हैं जिनको हाल ही में एसटी लिस्ट में डाला गया है। इसमें से एक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हाथी कम्युनिटी है, जो कि ट्रांसगिरी रीजन में रहती है। अब देखिए, हाथी कम्युनिटी, इसका नाम हाथी क्यों पड़ा? ये जो कम्युनिटी है, इसका नाम ट्रेडिशनल इनकी जो ऑक्यूपेशन है उससे आया है। क्या ऑक्यूपेशन है? सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, घर में जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी, वेजिटेबल्स, मीट या वूल, इनको ये स्मॉल टाउन मार्केट्स में जाके बेचते हैं, जिनको हार्ट्स कहते हैं। तो इन्हीं हार्ट से इस कम्युनिटी का नाम पड़ा है, हाथी कम्युनिटी। ये ट्रांसगिरी रीजन में रहती है। इस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स उत्तराखंड में और कुछ मेंबर्स हिमाचल में रहते हैं। जो कम्युनिटी के मेंबर उत्तराखंड में रहते हैं, उन्हें तो ऑलरेडी एसटी स्टेटस में डाल दिया गया था, लेकिन जो हिमाचल में थे उन्हें अभी तक ये स्टेटस नहीं मिला था। तो अभी जाके जो हिमाचल के हाथी कम्युनिटी है, उसे एसटी कैटेगरी में डाला गया है। तो मुख्यतः ये दो स्टेट्स में पाई जाती है, हिमाचल और उत्तराखंड। देखिए, इन लोगों की एसटी स्टेटस के लिए डिमांड 1967 से थी। कुछ लोग इनके उत्तराखंड के जौनसर बवार एरिया में रहते हैं, जिन्हें ऑलरेडी ये स्टेटस ग्रांट हो गया था, लेकिन जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में थे उनको अभी तक नहीं मिला था। तो अभी उन्हें एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये है हाथी कम्युनिटी, जो होम ग्राउंड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मीट और वूल्स बेचती है हार्ट्स में, जहां से इसका नाम आया, हाथी कम्युनिटी। फिर हमारे पास और जो कम्युनिटीज हैं जिनको एसटी स्टेटस में डाला है, वो है गोंड, गोंड ट्राइब और गोंड की फर्दर 5 सब कास्ट,
जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो इन्हें भी अभी एसटी कैटेगरी में डाला गया। इसके साथ साथ कर्नाटका की बेटा कुरुवा एक कम्युनिटी है जिसे एसटी स्टेटस में डाला गया, छत्तीसगढ़ की भिंजिया कम्युनिटी है जिसे एसटी कैटेगरी में डाला गया, और तमिलनाडु की नारी कुरावन और कुरुविकरण, ये दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्हें एसटी स्टेटस में डाला गया। अब हमने स्टेट्स तो याद कर ली कि चिंता उभर कर आई, सी से छत्तीसगढ़, एच आई से हिमाचल, फिर ता से तमिलनाडु, उसके बाद उभर से उत्तर प्रदेश, और उभर के आई तो के से कर्नाटका। अब हम इन स्टेट्स की जो कम्युनिटीज हैं, जिन कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में डाला है, उन्हें याद करेंगे। तो देखिए, वैसे तो लड़ाई झगड़ा जीवन में नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, हम लड़ाई झगड़े के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम बड़े पीसफुल लोग हैं। लेकिन एक डायलॉग के तौर पे मान लो कि एक व्यक्ति है जो बड़ा बड़ा ज़्यादा ऐसे ही प्रवोक कर रहा है, बिना मतलब का ऐसे ही छेड़े जा रहा है, कोई लेना देना नहीं हमें उससे, लेकिन फिर भी लगा हुआ, तो गुस्से में आके हम उसको क्या कहेंगे, मैं आप कोई भी है, बिना मतलब का कोई बोले तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना कर बेटा, बिना बात के यहीं गाड़ दिया जाएगा, या बिना बात के यहीं गाड़ देंगे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपने, लेकिन ये एक डायलॉग के तौर पे ताकि याद किया जाए, ना कर बेटा, बिना बात के यहीं गाड़ देंगे। तो ये इससे हम ट्रिक बनाते हैं, ना से हमारे पास आ गया नारी कुरावन, कर से हमारे पास आ गया कुरुविकरण, तमिलनाडु की होगी, बेटा से हमारे पास आ गया बेटा कुरुबा कम्युनिटी, कर्नाटक की होगी, बिना से हमारे पास आ गया भिंजिया, छत्तीसगढ़ की होगी, यही से हमारे पास आ गया ही से हमारे पास आ गया हाटी कम्युनिटी, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड में भी पाई जाती है, उत्तराखंड वालों को पहले मिल गया था, हिमाचल वालों को अभी एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिला, फिर गाड़ देंगे, गाड़ से आ गया गोंड कम्युनिटी। तो ये है कम्युनिटी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भैया, इनमें लिखित में से कौन सी जो कम्युनिटी है उसको अभी हाल ही में एसटी स्टेटस में डाला गया है, तो हम क्या कहेंगे, ना कर बेटा, बिना बात के ही यहीं गाड़ दिया जाएगा, या यहीं गाड़ देंगे। तो एक बार फिर देखो, ना से हमारे पास आ गया नारी कुरावन, कर से आ गया कुरुविकरण, बेटा से आ गया बेटा कुरुबा, बिना से आ गया भिंजिया, और यहीं से आ गया हाटी, ही से हाटी, और गाड़ से आ गया गोंड। देखिए, मैंने इस प्रकार के काफ़ी जीके ट्रिक्स ऑलरेडी और भी बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहां पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रकार के जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी कामयाब होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन ट्रिक्स को भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो ये इसके दो ट्रिक्स हैं जिसमें हमने स्टेट्स भी याद कर ली और ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये भी याद कर ली। अब देखिए, तमिलनाडु की जो नारी कुरावन और कुरुविकरण, ये जो कम्युनिटी है ये 1965 से एसटी स्टेटस की मांग कर रही है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लोकूर पैनल। तो ये लोकूर पैनल की रिकमेंडेशन के अंदर मांग कर रही है 1965 से कि हमें भी एसटी स्टेटस में डाला जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला था, अभी जाके इनको मिला है, नारी कुरावन और कुरुविकरण तमिलनाडु के 1965 से मांग कर रहे थे। याद रखिएगा, किसकी रिकमेंडेशन पे, लोकूर पैनल की रिकमेंडेशन पे। एसटी स्टेटस से पहले इन्हें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में डाला गया था। अभी जो कम्युनिटीज हैं इनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो है हंटर गैदरिंग और बीड नेकलेस को सेल करना। यूनियन कैबिनेट ने बेटा कुरुबा कम्युनिटी जो है उसे एक साइनोनिम काडू कुरुबा से एसटी लिस्ट में डाला है। और बेटा कुरुबा ट्राइब जो है कर्नाटका की, ये आपको कोडागू, मैसूरू और चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पाई जाएगी, जिनकी डिमांड थी एसटी स्टेटस से पिछले तीन डिकेड से, तीन दशकों से ये मांग कर रहे थे, लेकिन स्पेलिंग एरर्स की वजह से या फिर कुछ सिमिलर साउंडिंग नेम्स की वजह से इनको अभी तक इसमें नहीं डाला गया था। अब ये जो नई कम्युनिटीज है जिन्हें एसटी लिस्ट में डाला गया है, इनको सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो टारगेट करती हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, यानी कि शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए अभी इस देश में जो भी स्कीम्स चलती हैं उन सारी की सारी स्कीम्स का फायदा इन सारी कम्युनिटीज़ को मिलेगा। अब कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स के बेनिफिट्स जो कि इन ट्राइबल को मिलेंगे, उसमें से कुछ बेनिफिट्स हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, राइट, द नेशनल फेलोशिप, फिर कंसेशनल लोन्स नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस के मदद से, फिर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो कि बाकी शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलते हैं वो अब हमारी इन
कम्युनिटीज के भाई बहनों को भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने बेनिफिट्स देख लिए, इस वीडियो में हमने उन स्टेट्स को याद कर लिया, इस वीडियो में हमने वो सारी की सारी ट्राइब्स को ट्रिक के माध्यम से याद किया जो कि अभी हाल ही में एसटी लिस्ट में डाली गई हैं। ऐसे और ज़्यादा ट्रिक्स देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार जाके चेक करिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।